सत श्रीकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होर जी कितना सारा है, होप तुसी सारे वधिया होंगे। तुसी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग शिमला आए हुए हैं। अब हम शिमला से और आगे की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम चल के ढूंढेंगे बढ़िया सी लोकेशन, बढ़िया सा कोई होटल जहां हम आज रात स्टे करेंगे। तो आगे का ब्लॉग भी जरूर देखें, काफ़ी मज़ा आएगा। और जिस जगह हम जाने वाले हैं वो जगह भी मम्मी के लिए नई जगह होने वाली है, सरप्राइज़ होने वाली है, क्योंकि ये ट्रिप हमने स्पेशली मम्मी के लिए बनाया है। तो बस उन्हें सरप्राइज देने लिए और आगे लेके जा रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं। रहा मॉल रोड, ये है शिमला की पार्किंग, चलते हैं। तो ब्रिटिश बिल्डिंग देखो कितनी ओल्ड है ना, ब्यूटीफुल। वाहिगुरु जी, ये ऑफिस बिल्डिंग भी देखो कितनी ब्यूटीफुल है। रोड के ऊपर दी दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बने हुए हैं। तो जी दिन भी ठंडी लगा है, 6:30 हो गए शाम के, और जितने में हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे अंधेरा हो जाएगा। वैसे वो बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, अभी भी मैं दिखाऊंगा लेकिन मॉर्निंग में और अच्छी तरह से दिखाऊंगा जी। इस जगह को कहते हैं संजौली, और यहाँ हमें ट्रैफिक जैम मिल गया। बड़ी देर से हम खड़े हैं ट्रैफिक जैम में जी। ये संजौली टाउन भी काफी ह्यूज टाउन है, उनका वक्त है और तंग गलियां हैं, तंग रोड्स है, और मार्केट का भी अपना रश है, उस वजह से काफी ट्रैफिक जैम मिल रहा है। ये जी संजौली की टनल जी, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, और आज रात हम स्टे करेंगे यहाँ पर। और इस डेस्टिनेशन का नाम है जी नालदेहरा। हाँ जी, और मम्मी यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। तो नाइट होगी, दिन में थोड़ा इतने व्यू पता लगेंगे कि कितनी ब्यूटी इस जगह दी। तो जी एंटर करते हैं हमारे होटल में, ये है होटल हिल क्रेस्ट। हाँ जी, तो इस वक्त हम पहुँच गए हैं नालदेहरा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, शिमला से बहुत नज़दीक है, और मम्मी यहाँ से पहले कभी नहीं आए, तो उनके लिए सरप्राइज़ है। पहुँचते पहुँचते तो हमें यहाँ रात हो गई है, तो अभी इस वक्त खास कोई व्यू समझ नहीं आएगा, लेकिन दिन में मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, मज़ा आएगा आपको। मम्मी को भी दिन में जब व्यू दिखाएंगे ना हम, तब उन्हें पता लगेगी इस जगह की ब्यूटी। बाकी ये हमारा होटल आज के लिए नालदेहरा में, होटल हिल क्रेस्ट। कल के करते हैं चेक इन, है ना। बाकी होटल टूर मैं आपको कल मॉर्निंग में दूंगा, क्योंकि रात होगी कुछ खास समझ नहीं आएगा। बाकी रूम टूर मैं आपको देता हूँ, है ना। लेट्स गो। तो ये जी रिसेप्शन एरिया, दिस इज सिटिंग। वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। रूम देखते हुए सिलेक्ट करते हैं कौन सा रूम लेना है ना। एक रूम तो ये है, वेरी नाइस स्पेशियस रूम, वेरी नाइस सीटिंग एरिया, काफी खुला रूम है। विंडो से बाहर का व्यू भी बहुत बेहतरीन होगा, पर दिन में देखेंगे। एंड दिस इज वॉशरूम एरिया, नाइस एंड क्लीन वॉशरूम। अब अगला रूम देखते हैं। ये रूम थोड़ा साइज में कंपेरेटिवली छोटा है, अदरवाइज नाइस रूम। वॉशरूम अगेन नाइस एंड क्लीन। हाँ जी, फिर ये रूम पसंद आया। हाँ जी, क्योंकि स्पेशियस है, ना है ना, है ना जोरा। हाँ जी, ये रूम ज्यादा स्पेशियस है, खुला डुला है। बाकी जोरावर सिंह ना सो गया था रास्ते पे, नींद होगी कम्प्लीट। चलो फ्रेश इंजॉय करना, ठीक है। बाकी सुबह से निकले हैं चंडीगढ़ से, घूमते घूमते शिमला के बाद अब नालदेहरा आ गया है। रात यहीं स्टे करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। बस थोड़े टायर्ड हो गए, थोड़ा फ्रेश होते हैं ना, फिर आपसे मिलते हैं। ओए स्लाइड, तुसी दी स्लाइड बना ली, वेरी नाइस। चलो तोड़ ना दियो, लेने के देने पे जाने। वेरी गुड। कॉफी एंजॉय कर रहे? हाँ, ठंड लग रही थी ना मम्मा, नु ठंड ज्यादा लग रही होनी है ना। हाँ, अरे कितने चढ़ गए तुसी। अच्छा जी, अपनी फूड बास्केट को बैठे हो, अपने मनपसंद सामान कट करके खा रहे हो, एंजॉय। वाह जी वाह, क्या स्टाइल है भाई, इतनी बैठा हूँ इस बराबर, इतनी अपने आसन जमा के बैठा है। और मम्मा एंड वाइफ वाचिंग टीवी। तो जी फ्रेश हो गए, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, अब हो गया डिनर टाइम। रात के 9 बज रहे हैं, बहुत जोरों की भूख लगने लगी सबको, है ना जोरावर। यस मैडम। चल के करते बढ़िया सा डिनर, लेट्स गो। लेट्स गो।
पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है 4 डिग्री सेल्सियस, और मैंने कोई जैकेट भी नहीं लिया है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। मजा आ रहा है। अच्छा जी, लेट्स गो। अच्छा तुझे ये खाऊंगी? अरे मैं खाऊंगा चिली चिकन। चिली चिकन? हाँ जी। जुरावर सिंह, आ गया थोड़ा फेवरेट चिली चिकन। हाँ जी भी, टेस्ट ठीक है? हाँ हाँ। जुरावर सिंह, how's the taste? Yummy. Enjoy. Okay. Very yummy. और ये आ गया हमारा पनीर टिक्का बटर मसाला, बहुत ही यम्मी लग रहा है, और साथ में बटर तवा रोटी। सबसे पहले करते हैं मोमा का सॉस। टेस्ट कितना पनीर का? हमने तवा फुल्का मंगाया साथ में, मज़ा तो यही खाने में आता है यार। तंदूरी रोटी इतनी नहीं पसंद हमें, कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है ना। स्वाद तो ये भी है, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। भाई डिनर वाज वेरी यम्मी, मज़ा आ गया, फुल हो गए, अब चलते रूम में। थक भी बहुत ज्यादा गए हैं, अब तो बहुत जोरों की नींद भी आने लगी है। क्यों भाई, आई नींद? अब ऐसे लग रहा है कि बस बेड मिल जाए और फटाफट सो जाए, है ना? तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम नालदेहरा। और ये देखिए हमारे होटल के रूम से व्यू। मैंने आपको कहा था ना कि रात में तो व्यू समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिन में देखिए पूरी वैली दिखाई दे रही है नालदेहरा की। ब्यूटीफुल ट्रीज, और बाहर बैल्कनी भी है। ये कुछ इस तरह से व्यू है हमारे रूम से, वो दूर देखिए। रात में बहुत अच्छी तरह से नींद आई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सुबह आराम से उठे 8 बजे, अब एकदम फ्रेश है, रेडी है। हमने सोचा है नालदेहरा आए हुए, जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं नालदेहरा, मम्मी को दिखाते हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल और शांत जगह है। जी मिस्टर रेडी? हाँ जी डैडा। यार वही कपड़े पहने पे गए अपन, है ना? अपन लेके ही नहीं आए क्योंकि, कोई गल नहीं यार। हाँ जी रेडी, सारे ने वही कपड़े पाए ना। आपको मैंने पहले ही बताया था, हमने स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम बनाया था, हमने कोई तैयारी नहीं की थी कि हमने नाइट स्टे भी करना है। नाइट स्टे की तैयारी होती तो उसी हिसाब से कपड़े भी लेके आते। हमने तो सोचा था सुबह निकलेंगे, शाम में वापस घर चले जाएंगे, लेकिन अचानक रास्ते में प्रोग्राम बन गया था कि चलो भाई शिमला रहते हैं, नाइट स्टे भी यहीं कर लेंगे इसके आसपास, अच्छी जगह देख के। तो बस फिर वही कपड़े रिपीट कर रहे हैं हम, क्योंकि कपड़े लेकर नहीं आए, कोई तैयारी से आए नहीं थे। पर मज़ा आया, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा, है ना खास। चलो फिर चलिए, लेट्स गो। इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी का जो टैरिफ था वो था 4,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ये जो रिसेप्शन एरिया, यहाँ से भी बाहर का व्यू। हाँ जी पुत्तू, यस मैगजीन्स है। तुम कितना लग गया होटल? अच्छा। ये इसी प्रॉपर्टी के यहाँ पे टेंट भी लगे हुए हैं, और लॉन एरिया यहाँ भी सेटिंग है। और वो था हमारा रूम, ये जो ये वाला, ये बैल्कनी हमारे रूम की थी, और ये सिर्फ हमारे रूम की बैल्कनी थी। मतलब इस पूरी प्रॉपर्टी में आप देखो बैल्कनी नहीं है, सिर्फ हमारे रूम को बैल्कनी थी। ये है हिल क्रेस्ट होटल। ये ट्री देखो जरा, इतना लग रहा है अम्ब्रेला है। उस तरफ है पार्किंग, यहाँ है अंदर वो डोर जो है, वहां पे है रेस्टोरेंट एरिया, ये कॉफी हाउस, और यहाँ से लॉन में नीचे जाने के लिए भी स्टेप्स है, यहाँ भी सिटिंग बनाई हुई है। यहाँ बैठे रहो घंटों, है ना, व्यू एंजॉय करते हुए।
फूड एंजॉय करो, कॉफी एंजॉय करो, बैठो कॉफी पीते रहो, खाते पीते रहो, और क्या, सुबह से शाम तक। और रात में हम लेट हो गए, अदरवाइज बॉनफायर की भी ऑप्शन है यहाँ पर। ये देखिए कॉफी हाउस, ये सेटिंग एरिया और ये सामने का वैली व्यू। किधर लगी प्रॉपर्टी? बहुत सोहनी है ना, बहुत सोहनी प्रॉपर्टी है, सेटिंग भी सोहनी है। टाइम स्पेंड करो थे, कितने ना जाओ बस इतने बैठ के टाइम स्पेंड करो। लेकिन हमने जैसे आपको बताया कि स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम बना था, तो ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, भी आगे निकलेंगे, पहले नालदेहरा टाउन एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते हैं आगे और क्या करना है ना। आगे कॉफी शॉप की यहाँ आउटडोर सिटिंग भी है और वहाँ भी इंडोर सिटिंग है ऊपर। तो जी इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी से हमने चेकआउट ले लिया है और अपना लगेज भी ले लिया हमने, और हमारे साथ सिर्फ हमारा ये एक ही लगेज था, हमारी फूड बास्केट, बस दैट्स इट, नो क्लोथ्स, नथिंग, कोई कपड़े वपड़े लेके नहीं आए थे हम लोग, बस अपना जो लगेज लेके आए थे वो लेके जा रहे हैं। चलिए फिर लेट्स गो। ओके बाय बाय होटल। सो चुके हैं सुबह के 10 और हमने चेकआउट ले लिया है हमारे इस होटल से, और ये कुछ इस तरह का व्यू है, सड़के हैं होटल के नज़दीक वाली, एकदम जंगल व्यू। और हमें हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, अगर हम यहाँ और एक दिन स्टे करते ना तो इनके यहाँ पे पूरी जंगल वॉक भी बनी हुई है, अगर आप यहाँ खुला टाइम निकाल कर आओ तो आप वॉक भी कर सकते हो, नेचर एंजॉय कर सकते हो। और पहाड़ों में ना पतली सड़कें होती है, तो इस हिसाब से थोड़ी बहुत तालमेल बना के चलना पड़ता है। तो देखिए सिंगल लेन रोड था, उस बंदे को रिवर्स लेना पड़ा क्योंकि मैं आ रहा था सामने से, सिंगल लेन रोड है, सामने से कोई गाड़ी आ जाए या तो उसे पीछे लेना पड़ता है या मुझे। और यहाँ से राइट लेके चलते हैं सीधा नालदेहरा। तो वो देखिए सामने रखा हिलक्रेस्ट होटल, इस जगह की ब्यूटी देखो, ग्रीनरी देखो, ट्रीज देखो, इतनी दी यही ब्यूटी है, मतलब नेचर लवर इस जगह पे आना पसंद करते हैं, जिन्होंने शांति पसंद है शहर तो भीड़ भड़क के तो थोड़ा रिलैक्स होने लिए आना चाहते ना, जो वीकेंड मनाने जाते हैं वो इतने आते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा आपको इस रोड पर। लास्ट टाइम जब हम नालदेहरा आए थे इस होटल में हम रुके थे। व्यू चेक करें आप यहाँ से, वैली व्यू, ये देखिए है ना ब्यूटीफुल वैली, कितनी ज्यादा हाइट पे हम लोग इस वक्त, ये देखिए जंगल ही जंगल, पूरे ट्रीज ही ट्रीज, लेयर्स में माउंटेन दिख रहे हैं, और वो जो दूर वो सामने जो ग्रीन पैच आपको दिख रहा है ना ट्रीज के बीच में, वो वहां है नालदेहरा गोल्फ कोर्स। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो पूरी अच्छी तरह से मैंने डिटेल ब्लॉग बनाया था नालदेहरा गोल्फ कोर्स का, आप चेक कर सकते हो। एंजॉयिंग, ये देखिए टूरिस्ट अपनी हॉर्स राइड एंजॉय करते हुए। मम्मी ये गोल्फ कोर्स है सारा नालदेहरा गोल्फ कोर्स, वो देखो ऊपर दिख रहा था। तो जिस वक्त हम पहुंच गए नालदेहरा गोल्फ कोर्स, लास्ट टाइम तो मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया था, इस बार हम लोग बाहर से देखेंगे क्योंकि गोल्फ कोर्स में एंट्री तो होती नहीं है टूरिस्ट के लिए, बाहर से आपको देखना होता है। तो आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगा नालदेहरा गोल्फ कोर्स की। यहाँ आप हॉर्स राइडिंग भी करते हुए जा सकते हो गोल्फ कोर्स देखने, वो देखो ऊपर दिख रहा है गोल्फ कोर्स में, वो क्लब है बना था। और ये है मेन एंट्री नालदेहरा गोल्फ कोर्स के लिए, ये देखिए यहाँ से एंट्री, आपको टिकट लेना होगा और वॉकिंग वॉकिंग जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो गोल्फ कोर्स या हॉर्स राइड करते हो। गोल्फ प्लेट होटल है हिमाचल टूरिज्म का, यहाँ पे हट्स की भी ऑप्शंस है, और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी देखिए ना सामने, वो भी मुझे हट्स लग रही है। पर सारा गोल्फ कोर्स है, मैक्सिमम ना
यहाँ की ब्यूटी ही इंजॉय करने आते हैं, शांति इंजॉय करने आते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं, नेचर इंजॉय करने आते हैं। जी मैं लोग कर रहे हैं पोनी राइड लेके जंगल वॉक। बिल्कुल कितना लगी मम्मी इस जगह की ब्यूटी? बहुत ज्यादा सुंदर। इस जगह तो फर्स्ट टाइम आया था। हाँ, फर्स्ट टाइम। हमने सोचा है मम्मी के लिए ट्रिप हमने प्लान किया, चलो इन्हें नई नई जगह घुमाते हैं, यहाँ पहले नहीं गए। व्यू देखिए आप इस ढाबे से, है ना जबरदस्त। सबका दिल कर लगे बड़े सी चाय पीते है ना, व्यू एंजॉय करते हैं, चाय पीते कुछ खाते पीते है ना। भी क्या बात है, गर्मा गर्म आलू पराठे आ गए हैं और खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है, स्टफिंग भी मुझे ना एकदम बढ़िया लग रही है, घर जैसी। ये देखिए फुल स्टफिंग, फुल व्यू के साथ गर्मा गर्म चाय, क्या बात है। स्टफिंग सही है ना, बॉन्डी का दूध आ गया। पराठे स्वाद है, चार भी थे, इतने का ही है। अच्छा, अलग स्टाइल का मिक्स। आज जो होंदा ना इधर विच अचार ते बीन्स वांग होंदा ना, हां एनु लिंगड़ी दा अचार बोलदे हैं। अच्छा। इथे हिमाचल च मिलदे, बाकी मिक्स अचार है। इधर च अडेलिया दा अचार भी निकलया। ठीक है जी, मिक्स अचार है। आइसक्रीम, आइसक्रीम की लहर उठ रही है। अच्छा। हाँ जी एंजॉय, दादी पोता दी फेवरेट है ना आइसक्रीम। वो सामने रहा अपना होटल हिलक्रेस्ट जहाँ पे हमने स्टे किया था, वो देखिए जी। तो ठीक है जी, ये था आज का हमारा नालदेहरा का ब्लॉग, ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, तो ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगले सारे ब्लॉग भी जरूर देखना क्योंकि हम लोग यहाँ से अभी और आगे जाएंगे और नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, तो अगले सारे ब्लॉग जरूर देखना। ऑलरेडी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।